हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनोवेशन एजाज। फ्रेंड्स, मैं आज एक नया वीडियो के साथ आया हूं, जिससे हम अपने घर को सिक्योर रख सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज करके। ये टेक्नोलॉजी का नाम है आईआर सेंसर और इंफ्रारेड सेंसर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये सेंसर कैसे बना सकते हैं हम घर में ही आसान तरीके से। तो इसे बनाने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए। तो पहला आईआर एलईडी। तो ये आयर एलईडी जो होता है, ये आयर एलईडी इंफ्रारेड रेस ट्रांसमिट करता है 940 नैनोमीटर वेवलेंथ में, जो कि हम लोग का नॉर्मल ह्यूमन जो है अपने आंखों से नहीं देख पाते, क्योंकि क्योंकि हम लोग का नॉर्मल जो आई रेंज होता है वो 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर होता है। ओके, तो ये आयर एलईडी का हम लोग का दो लेग है। तो ये बड़ा वाला जो है ये हम लोग का एनोड है, और छोटा वाला जो है वो कैथोड है। नेक्स्ट आईआर रिसीवर। तो आईआर रिसीवर ये क्या करता है, ये जो हम लोग का इंफ्रारेड एलईडी जो वेवलेंथ ट्रांसमिट करता है तो वो ये रिसीव करता है। ठीक है, तो ये एलईडी का इसका भी दो लेग है। ये बड़ा वाला जो है वो हम लोग का एनोड है पॉजिटिव, और छोटा वाला कैथोड। नेक्स्ट है हम लोग का ये रेजिस्टेंस। हम लोग ने यहां 330 ओम का रेजिस्टेंस लिया है। नेक्स्ट हम लोग ने एक 6 वोल्ट का रिले लिया है, जो कि हम लोग यहां यूज करेंगे। तो ये रिले में 5 पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कॉइल को एक्टिवेट कराता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ने सपोज यहां पर पॉजिटिव दिया, यहां पर नेगेटिव दिया है, तो ये जब कॉइल एक्टिवेट होगा तो यहां पर एक कॉइल जो होता है एक रिलेट होता है, तो ये एक बार इस तरफ जाता है तो एक बार इस तरफ। जब एक्टिवेट होता है तो ये नॉर्मली ये क्लोज्ड इधर रहता है, तो जब हम लोग रिले को एक्टिवेट करेंगे तो वो इस तरफ चला जाता है। मतलब जब अगर हम लोग यहां पर करंट देंगे तो हम लोग का ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम लोग जोड़ने से हम लोग को वो करंट मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हम लोग का बजर। इसका नेक्स्ट हम लोग ने यूज किया है एक एडाप्टर 9 वोल्ट का, और ये है एक पीसीबी जो कि हम लोग सर्किट बनाने के काम आएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग असेंबलिंग करना। दोस्तों, ये अभी हम लोग का सर्किट पूरा पूरी कंप्लीट हो गया है, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अभी समझते हैं सर्किट में क्या हमने किया है। तो ये हम लोग का जो तार आया है, ये हम लोग का पावर सोर्स जो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टर्मिनल आके हम लोग का ये आयर एलईडी का पॉजिटिव में लगा है। ठीक है, तो पॉजिटिव में लगा है। इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल से आके हम लोग का रेजिस्टेंस में लगा है। फिर रेजिस्टेंस से
हम लोग का निकल के हम लोग का ये आयर रिसीवर जो है, आयर रिसीवर का पॉजिटिव एंड में लगा है, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड में लग के इसका नेगेटिव एंड जो है वो नेगेटिव एंड से हम लोग का एक रिले का जो कॉमन पॉइंट है वहां गया है और एक कॉइल के पॉइंट में गया है, ये दोनों हम लोग ने ज्वाइन कर दिया। देखिए ये दोनों पॉइंट ज्वाइन है। इसके बाद जो हम लोग का और एक कॉइल का पॉइंट बचता है वो है पॉजिटिव वाला एंड। तो वो पॉजिटिव वाला एंड को हम लोग ये पावर सोर्स जहां से मिला है वो पावर सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद स्पीकर, स्पीकर का जो है वो पॉजिटिव जो टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल हम लोग पॉजिटिव में लगाया है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है तो ये आयर एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वहां लगाया है। तो जब हम लोग का ये पावर सोर्स हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ये कैसे काम करता है, आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों अभी देखते हैं ये सर्किट हमारा कैसे काम करता है। अभी हम इसे पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करते ही हम लोग का ये स्पीकर बज उठा है, तो इसका मतलब क्या है, आयर एलईडी ट्रांसमिट कर रहा है, आयर रिसीवर जो है वो रिसीव कर रहा है, रिसीव करके ये करंट है वो पास करा रहा है ये रिले का कॉइल से। जब कॉइल से पास होगा तब क्या होगा, द नॉर्मली ओपन पॉइंट से जाके रिले कनेक्ट हो जाएगा और सर्किट पूरा कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के कारण ये स्पीकर बज उठेगा। अभी हम इसे ऑब्जेक्ट किसी प्लेस करेंगे इन दोनों के बीच में, तो बीच में जब प्लेस करेंगे तब क्या होगा, आयर एलईडी जो ट्रांसमिट कर रहा है रिसीवर में रिसीव नहीं हो रहा है। तो नहीं होने के कारण जो रिले है, रिले का कॉइल एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो एक्टिवेट नहीं होने के कारण नॉर्मली क्लोज पोजिशन में आके रिले रह जाएगा। तो नॉर्मली क्लोज में जब रहेगा, हम लोग का सर्किट कनेक्ट है नॉर्मली ओपन में, तो हम ये सर्किट ब्रेक हो रहा है, हम लोग का स्पीकर तक हम लोग का करंट पहुंच नहीं रहा है, तो स्पीकर ऑफ हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग का ये रिले काम करता है और ये पूरा सर्किट काम करता है, जो कि हम लोग सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे सिक्योर डोर, सिक्योर कैश बॉक्स एक्सेट्रा। तो हम लोग ये कैसे अप्लाई करते हैं ये देखते हैं। आइए इस सर्किट को कुछ तरीके से इसे कवर कर देते हैं ताकि हम इसे इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो। तो हम लोग ने ये डबल साइडेड टेप यूज किया है यहाँ, तो इसमें हम लोग कवर कर देते हैं। यहां पर भी हम लोग डबल साइडेड टेप लगा दिया है। चलो चलते हैं, पहले देखते हैं इसे इंप्लीमेंट करके। चलो दोस्तों अब हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं। ये है एक दरवाजा, तो मैं इस दरवाजे में ये वाला सेंसर लगा दूंगा, तो ये कैसे काम करता है हम देखेंगे। तो हमने ये लगा दिया है, अब देखते हैं ऑन कर देते हैं, अब ये कैसे काम करता है देखते हैं। ये अब हम दरवाजा खोलेंगे। ये बंद करने से ये आवाज बंद, तो ये सिक्योर पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल बॉक्स है, तो इसमें हम लोग ने ये सर्किट डाल दिया, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे काम करता है देखते हैं। तो देखिए अभी ये हो गया है, कोई इसे खुलेगा ही तो
बंद हो, आवाज करने लगेगा। तो ऐसे टाइप का हम लोग सिक्योरिटी पर्पस के लिए ऐसा कैश बॉक्स में लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आई विल कम अप विथ मोर इंटरेस्टिंग वीडियो, टिल देन गुड बाय।